हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच में महाराष्ट्र में सियासी घमासान काफ़ी तेज हो गया था। कहा जा रहा था कि अजीत पवार एनसीपी के 53 में से 30 से 40 विधायकों के साथ मिलकर शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बन सकते थे। बताया जा रहा था कि अजीत पवार एनडीए में शामिल होने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे थे, मगर खुद एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर आज चुप्पी तोड़ दी है। अजीत पवार ने कहा है कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे, एनसीपी जो भी तय करेगी वही करूंगा। अजीत पवार ने भी कहा है कि आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब मत निकालो, मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूँ और जो वो कहेंगे वही करूँगा। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब हमारे खिलाफ साजिश है। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हैं, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में ये पूरा मुद्दा सामने आया और ये मुद्दे पर अभी भी राजनीति गर्म नज़र आ रही है।